आज हम क्लास 8 का रेशनल नंबर परिमेय संख्या का एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। इससे पहले हमने रेशनल नंबर परिमेय संख्या का परिचय दे दिया है, इंट्रोडक्शन उसका दे दिया है। आप देखना चाहते हो तो जाकर इससे जो प्लेलिस्ट बना है देख सकते हैं। और हाँ, यह जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। यदि कोई भी जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो दोनों देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात करिए। तो यह दो सवाल है, -2/3 (3/5) +5/2 -3/5 (1/6)। तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सवाल लिखें, देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का उपयोग करके इस सवाल को हल करना है, उचित गुणधर्म का उपयोग करके। अब उचित गुणधर्म क्या होता है, जैसे देखिए एक यह संख्या ले लीजिए और एक यह ले लीजिए। क्यों हमने ऐसा लिया, देखिए इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है, तो इसको एक साथ रख लीजिए। इसे लिखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई (3/5)। अब इसको हम लिखेंगे -3/5 (1/6)। अब जो यह नहीं है इसको लास्ट में लिखेंगे 5/2। अब इसे देखिए इसमें 3/5 है और इसमें भी 3/5 है, तो इसमें 3/5 देखिए दोनों में है, इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों में हो। देखिए 3/5 इस वाले में भी है और 3/5 इस वाले में भी है, तो देखिए इसमें से हम 3/5 को कॉमन ले लेते हैं। 3/5 को जब कॉमन लेंगे तो इस वाले में बचेगा क्या, इस वाले में बचेगा -2/3। ये तो 3/5 कॉमन ले लिए हैं, अब लिखेंगे माइनस। यहाँ से देखिए 3/5 हमने कॉमन ले लिया है, तो बचेगा क्या, 1/6 बचेगा और +5/2। देखिए अब इसको हल करेंगे। हमें लगता है कि फ्रैक्शन का आप लोगों को सभी को जो सब्ट्रैक्शन है सभी को आता होगा, यदि ना आए तो आप लोग कमेंट करिए, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले इसे हल करते हैं, 3/5 हो जाएगा। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम अर्थात लसा, तो हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर हो जाएगा -1 +5/2। तो इसको हम हल करेंगे, जो यह फ्रैक्शन है इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस यह आएगा 3/5 -5/6 +5/2। देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसे लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई -5/6 +5/2। अब इसको मल्टीप्लाई में होता क्या है, जो ऊपर का है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, या तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम नियम के अनुसार कहते हैं, हो जाएगा -15 (30) +5/2। अब इसका हम लेंगे एलसीएम कितना आएगा, लसा 30 आएगा, यह हो जाएगा -15, यह हो जाएगा +30, यही होगा ना, नहीं यह होगा 75। अब किसी को लगता होगा कि कैसे आया, देखिए इसका हमने एलसीएम लिया लिया इन दोनों का आया 30। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे कितनी बाय में जाएगा, 1/1 में, तो अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -15। अब इस 2 का डिवाइड करेंगे 30 में, कितनी बाय में जाएगा, 15। 15 का मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे तो आएगा 75। जब इसको हम हल करेंगे तो यह आएगा 60 +60 या सिर्फ 60 /30। देखिए अब इसको जब हम कट करेंगे तो कितनी बाय में जाएगा, यह आएगा 2। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यह सवाल था तो हमें इसको उचित गुणधर्म का एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी द्वारा हल करना था। तो
तो देखिए इसको और इसको हमने एक साथ लिया है यहाँ पर, इसमें से 3/5 को हमने कॉमन लिया है, कॉमन 3/5 को ले लिया है, तो बचेगा क्या, -2/3 और -1/6 +5/2। और यहाँ पर हमने सब्सट्रैक किया है और सब्सट्रैक करने के बाद -5/6 आया है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने पर इतना आया है, इसको जब ऐड करेंगे तो इतना आया है, इसको जब कट करेंगे तो 2 आंसर हमारा आएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए यह सेकेंड वाला है, तो देखिए यहाँ पर है -7, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई, यह माइनस जो है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा -3/7 -1/6 +3/2 +1/14 +2/5। देखिए अब यहाँ पर हम उसी विधि द्वारा हल करेंगे, देखिए 2/5 यहाँ पर है, यहाँ पर 2/5 है, तो इसको हम कहाँ पर लेके आएंगे, इसको एक साथ लेकर आएंगे, तो इसे लिखेंगे 2/5 -3/7। अब इसको लिखेंगे +1/14 -2/5। अब इस बचा क्या, -1/6 बचा +3/2। अब देखिए यहाँ पर 2/5, यहाँ पर भी 2/5, इसको हम लेंगे कॉमन, तो 2/5 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जब 2/5 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, -3/7 +1/14, क्योंकि यहाँ से भी 2/5 कॉमन ले लिया है। अब इसको देखो हल करेंगे, तो 3 से इसको काटेंगे 2/5 में, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे 2/5, अब इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 14। अब इस 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 2/5 में, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस इस 14 का इसमें डिवाइड करेंगे 1/5 में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 ही होगा, -1/4। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2/5 -6 +1, यह क्या होता है, यह होता है -5। किसी को लगता होगा कि -5 कैसे आया, तो देखिए -6 +1, -6 और +1 है, तो इसको हमेशा जब अलग अलग चिन्ह होता है तो इसको हमेशा सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5। और बड़ी संख्या किस कौन सी है, 6 है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगेगा, इसलिए यहाँ पर -5 आया है, -5/14 -1/4। अब यहाँ पर हमने बताया कि कोई चिन्ह नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 -1/4। अब ऊपर का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे वाले के साथ, यह हो जाएगा -10/70 -1/4। 0 से 0 कट जाएगा, तो आएगा क्या, 1/7 -1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 28। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 4/5 में जाएगा, और उस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे तो कितनी बाय में जाएगा, 7/5 में। इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, -7। -4 -7 यह आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 11। लेकिन जो चिन्ह लगेगा, सिंबल लगेगा, वह माइनस का लगेगा, -11/18 यही हमारा है आंसर। तो आपको अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं।